राजधानी में जहां एक तरफ सुरक्षा की तमाम दावों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ अपराधी आए दिन कई संगीन वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आज अपराधियों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बिल्डर को गोली मारकर हत्या कर दी। ताजा मामला रूपसपुर थाना क्षेत्र के अभिमन्यु नगर के पास का है, जहां बेखौफ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने बिल्डर को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या में पुलिस को भी सकते में ला दिया। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ के मौर्य विहार में रहने वाले बिल्डर आलोक शर्मा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पटना सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार सहित दर्जन भर थानेदार अपने पूरे दल बल के साथ मौके बर्दात पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर 4 खोखा बरामद किया गया है। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को अवलोकन किया जा रहा है ताकि अपराधी की पहचान हो सके। हत्या की बात कही जा रही है। देखिए, आज संध्या में रूपसपुर थाना अंतर्गत नहर रोड पे किसी डिजायर कार जा रही थी, तो दो मोटरसाइकिल के पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें ये ज्ञात हुआ है कि उस मोटरसाइकिल वाले ने जो आगे ओवरटेक करके उस कार वाले को रुकवा दिया था और फिर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें तुरंत ही पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका नाम जो है आलोक शर्मा बताया जाता है, वो मौर्य विहार कॉलोनी फुलवारी शरीफ के। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो अग्रतर जांच की जा रही है, यहाँ जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उन्हें देखा जा रहा है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्लूज जिससे मिल सकता है, वो कार्रवाई की जा रही है। मृतक को 4 गोली जैसा सूचना प्राप्त हो रही है। कहाँ कहाँ गोली लगी? देखिए, ये तो अभी इंक्वेस्ट होगा तो पता चलेगा। घटनास्थल से क्या बरामद हुई? घटनास्थल से 4 प्लेट्स बरामद हुए। गिरफ्तारी के लिए नहीं, अभी कोई गिरफ्तार